Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class. And from this lecture, we are going to start our chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitor. और यहाँ से हम capacitance और potential के basic concept start करेंगे और जितने भी NCERT के questions हैं वो NCERT के questions का proper solution देखेंगे. तो सबसे first question हम देख रहे हैं, question example का question है और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 2.1 और यहाँ से हमको बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है उसका कॉन्सेप्ट पता चलता है. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज 4×10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे. अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, हम बात करते हैं पोटेंशियल potential due to point charge. Okay, अगर कोई point charge Q यहाँ पर रखा हुआ और उससे r distance पर अगर हमको electric potential find करना है, उस r distance पर हम electric potential find कर रहे हैं, तो electric potential जो कि एक scalar quantity है उसका value होता है Q divided by 4πε₀r. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू रिमेंबर दिस फार्मूला, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 4πε₀r. ओके, और उसी से रिलेटेड हमारे पास में ए पार्ट है. ओके, ए पार्ट में हमें क्यू का वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू गिवन है 4×10⁻⁷ कूलम और डिस्टेंस आर गिवन है 9 सेंटीमीटर, जिसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो 9 सेंटीमीटर मतलब 9×10⁻²⁰ मीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वी इज इक्वल टू क्यू, इसे हम के क्यू बाई आर भी लिख सकते हैं और के का वैल्यू हमको पता है 9×10⁻⁹ होता है. क्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4×10⁻⁷ और आर का वैल्यू है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर मतलब 9×10⁻²⁹. 9 से 9 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं. अल्टीमेट हमको मिलेगा 4×10⁻⁹ −7 + 2. तो यहाँ पर हमको मिला 4×10⁻ ये +4 हो जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 बचेगा और फिर +2. ओके, तो अल्टीमेट हमको मिला यहाँ पर 4×10⁴. बी पार्ट हम देख रहे हैं, ए पार्ट में हमारे पास में आंसर आता है 4×10⁴ वोल्ट. ओके, अब हम बी पार्ट देख रहे हैं. बी पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये वर्क डन से रिलेटेड है. Hence, obtain the work done to bring a charge 2×10⁻⁷ coulomb from the infinity at point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? Okay, हमको पता है electric force जो होता है वो conservative force होता है, तो यहाँ पर work done path पर depend नहीं करता है. और अगर हम energy की बात करें या work done की बात करें तो work done is equal to Q×V होगा. क्यों? क्योंकि हम अगर potential को define करते हैं तो W/Q होता है. ओके, W बाई क्यू होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्क डन ऑफ दैट पॉइंट. बट हम यहाँ पर अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो Q×V, और V हमको पता है उस पॉइंट का, और Q हम लेकर आ रहे हैं 2×10⁻⁹ और V यहाँ पर 4×10⁻⁴ वोल्ट. ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8×10⁻⁵ जूल. ओके, यहाँ पर अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि सर ये कैसे आपने कौन सा क्यू कैसे पुट कर दिया, तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इट इज़ W/Q. ओके, तो हम यहाँ पर W इज इक्वल टू Q×V लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पर हम ये जो बी पार्ट है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, अगर हम इसका आंसर देते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड वर्क डन कौन वर्क डन वर्क डन डज नॉट डिपेंड ओके डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. क्यों? क्योंकि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ओके, कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है और उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. थैंक यू.